नमस्कार, मैं पंडित नरेंद्र उपाध्याय लाइव हिंदुस्तान के ज्योतिषीय कार्यक्रम में आप सबका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। सबसे पहले 18 तारीख की ग्रह स्थिति जान लेते हैं। वृषभ राशि में उच्च का चंद्रमा, मिथुन राशि में राहु, कन्या राशि में मंगल और सूर्य कन्या राशि से नीच के होकर के तुला राशि में गोचर में जा चुके हैं। वहां पे पहले से मौजूद हैं स्वगृही शुक्र और बुध, बुध मित्र क्षत्रिय। वृश्चिक राशि में गुरु का गोचर है और धनु राशि में शनि और केतु विराजमान चल रहे हैं। राशिफल शुरू करते हैं। सबसे पहले मेष राशि। मेष राशि की स्थिति, कुटुंबों में वृद्धि हो रही है, धनागमन हो रहा है, वाणी से सधी हुई वाणी का प्रयोग कर रहे हैं। आपके स्वास्थ्य की स्थिति जो है वो थोड़ी सी बेहतर कही जाएगी, लेकिन जीवन साथी की स्थिति अच्छी नहीं कही जाएगी। जीवन साथी में थोड़ा सा ड्राइनेस, थोड़ा सा खरापन, प्रेम की स्थिति में थोड़ा सा खरापन, तो ये थोड़ा सा एक दो दिन चलेगा, इसके बाद फिर ठीक हो जाएंगे। व्यवसायिक स्थिति आपकी ठीक चल रही। वृषभ राशि, शत्रु पक्ष में आपका दबदबा हो जाएगा और इधर ऊर्जा शक्ति बढ़ी हुई है। व्यवसायिक, व्यापारिक, शारीरिक, मानसिक, हर दृष्टिकोण से बड़ी अच्छे, बड़ा अच्छा समय है। प्रेम प्रसंग भी अच्छा चल रहा है, किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं दिखाई पड़ रही। मिथुन राशि, थोड़े से अनजाना भय सताएगा, थोड़ा मन परेशान रहेगा आपको, लेकिन बाकी हर दृष्टिकोण से बड़ी अच्छी स्थिति है। प्रेम हो, जीवन साथी का हो, व्यवसायिक स्थिति हो, कुल मिलाकर के हर दृष्टिकोण से अच्छे चल रहे हैं आप। कर्क राशि, आर्थिक लाभ दिखाई पड़ रहा है और आर्थिक लाभ के साथ साथ जो है आप घर में भी अच्छी स्थिति है आपकी, प्लस में आप मतलब हर दृष्टिकोण से बड़े अच्छी स्थिति में चल रहे हैं, किसी तरह की कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। प्रेम प्रसंग भी अच्छा चल रहा है, व्यवसायिक स्थिति भी आपकी अच्छी चल रही है, तो कुल मिलाकर के एक अच्छे समय में आप चल रहे हैं। बस नेत्र विकार या सरदर्द की परेशानी थोड़ी सी दिख रही है। सिंह राशि, सिंह राशि की स्थिति, कोर्ट कचहरी में विजय वाला और पराक्रमी बने रहेंगे। हर तरह के लोग, सरकारी तंत्र हो या अपनों का साथ हो, हर तरह के लोग आपको बिल्कुल साथ दे रहे हैं हर मामले में। बस जुबान पे कठोर भाषा का प्रयोग, जुबान से कठोर भाषा का प्रयोग से बचिए, बाकी किसी तरह की कोई प्रॉब्लम नहीं है। कन्या राशि, कन्या राशि की स्थिति, आपका जो है आर्थिक स्थिति मजबूत हो रही है, भूम भवन वाहन की खरीदारी भी ठीक ठाक चल रही है, इसके अलावा सरकारी तंत्र आपके नजदीक आ रहा है। जो नौकरी चाकरी ढूंढ रहे हैं और कुछ पेंडिंग है ना सरकारी तंत्र में, उनको लाभ होने वाला है, तो अच्छी स्थिति है, किसी तरह की कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं दिखाई पड़ रही है। और भाग्यवश कोई काम बनने वाला है आपका, बस थोड़ा सा शारीरिक तापमान बढ़ना, चिड़चिड़ापन बढ़ना, इस बात पर ध्यान रखिए। तुला राशि, अभी अभी सूर्य का प्रवेश हुआ है आपके राशि में, थोड़ा सा शारीरिक तापमान बढ़ेगा और चूंकि वो नीच के हैं इस वजह से थोड़ा सा और चिड़चिड़ापन आपका बढ़ सकता है। सरकारी तंत्र की बिहेवियर आपको समझ में नहीं आएगा, थोड़ा कंफ्यूज होंगे, हालांकि पॉजिटिव होगा और आय भाव का स्वामी आपके लग्न में आया है, थोड़ा सा आय भी आपका बढ़ेगा, तो कुल मिलाकर के अच्छी स्थिति है, किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन आज के दिन चंद्रमा के अष्टम भाव में जाने की वजह से बचना जरूरी है, शारीरिक परेशानी, मानसिक परेशानी हो सकती है। वृश्चिक राशि, वृश्चिक राशि की स्थिति ठीक है, सरकारी तंत्र को थोड़ा सा कोप भाजन का शिकार हो सकते हैं सरकारी तंत्र से आप। व्यवसायिक लाभ होगा, पॉलिटिक्स वाले लोग जो आपसे संबंधित है वो थोड़ी दूरी बना सकते हैं या उनके थोड़े कोप भाजन के शिकार आप हो सकते हैं। बाकी नौ प्रेम का आगमन, जीवन साथी के साथ अच्छा एटमॉस्फियर, ये सारी चीजें दिख रही है। धनुराशि, सुधार शुरू हो गया है, सरकारी तंत्र आपके पास आएंगे, आपके पक्ष में आएंगे, जो बॉस हैं, जो उच्च अधिकारी हैं वो आपके पक्ष में आएंगे, तो कुल मिलाकर के एक अच्छी स्थिति दिखने लगी है आपकी। और उधर चंद्रमा की भी स्थिति आपके पक्ष में आ रहा है, मतलब विरोधी परास्त होंगे, शत्रुओं पर आप भारी पड़ेंगे,
एक अच्छी स्थिति चलने लगी। मकर राशि, भावुक बने रहेंगे, भावुकता पे नियंत्रण रखना जरूरी है। बाकी किसी तरह की कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। शासन सत्ता पक्ष का पूरा पूरा सहयोग मिलने लगा। जो एक कोपभाजन का शिकार थे आप, उससे आप अच्छे चल रहे हैं। प्रेम प्रसंग भी आपका अच्छा चल रहा है, कोई प्रॉब्लम की वाली बात नहीं है। व्यवसायिक लाभ भी मिल रहा है। थोड़ा ऊर्जा का स्तर जरूर अभी घटा हुआ है, वो धीरे धीरे भी सुधर जाएगा। कुंभ राशि, कुंभ राशि की स्थिति ठीक है। भूम भवन वाहन की खरीदारी, माँ के स्वास्थ्य में लाभ, घर में कोई उत्सव, फिर भी एक थोड़ा सा गृह कलह का संकेत दिख रहा है। तो इस पे केवल आप विजय पाकर के चलिए, बाकी किसी तरह की कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं दिख रही है। व्यवसायिक लाभ भी है, शारीरिक ऊर्जा भी बनी हुई है, हर दृष्टिकोण से ठीक चल रहा है। मीन राशि, घोर पराक्रमी बने रहेंगे। अब समय आ चुका है कि आप समय समय अपने कार्य को करना शुरू कर दीजिए, शुरुआत कर दीजिए। निश्चित तौर पर आप लाभ होगा आपको, और आपका जो आपकी जो बुद्धि है ना, वही आपके पराक्रम भाव में चला गया है। मतलब आप बुद्धि से पराक्रम और पराक्रम से बुद्धि, इसका इंटरचेंज करके काम कर रहे हैं, जो आपके लिए बड़ा अच्छा है। प्रेम प्रसंग अच्छा है, व्यवसायिक लाभ है, शारीरिक स्थिति ठीक है, तो कुल मिलाकर के आप आगे बढ़ रहे हैं। नमस्कार।